Hey guys, welcome to Challenges Education. This is part 3 of economy video, and in previous part 2 parts we had done some videos on till insider trading and GST regime, and then all these 4 topics. And in this video we will do all these 5 topics, from export import Bank of India to uranium requirement in India. So let us begin with our topic. न्यूज में इसीलिए था क्योंकि कैबिनेट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन को अप्रूव कर दिया है. अब रिकैपिटलाइजेशन होता है गाइज कि जब हम कुछ मनी इन्फ्यूज करते हैं इन सम ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि उसको मॉनिटरी हेल्प मिल सके. अब इस न्यूज के बारे में अगर हम पढ़ें तो recapitalization will be done by issuance of recapitalization bonds. ये recapitalization bonds की तरफ से की तरह use किया जाएगा, के वे से किया जाएगा, और इससे जो है fiscal deficit को कोई भी impact नहीं पड़ने वाला है, right? इसका advantage क्या होगा? It will enable bank to augment capital adequacy and support Indian exporters with enhanced ability. अब वही है कि Exim Bank का काम ही यही है कि investors की help करे, जो भी बाहर से foreign से पैसा लाते हैं तो उनकी help हो जाएगी with enhanced ability, यानी इनकी abilities जो है बढ़ जाएंगी, ठीक है. अगला है impetus to anticipate new initiatives like supporting Indian textile industry, concessional finance scheme and new line of credit in future in view of India's active foreign policy and strategic intent. अब इससे क्या है कि ये textile, Indian textile industry को भी help benefit मिलेगा इससे. concessional finance scheme जो government of India ने launch की है, कि यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है. और फर्दर कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द बैंक्स ऑथराइज्ड कैपिटल फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 20,000 करोड़. यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कितनी कर दी बैंक की? 20,000 करोड़. अब अगर हम एक्सिम बैंक के बारे में पढ़ें, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, It was established in 1982 under an act of parliament as apex financial institution for financing, facilitating and promoting India's international trade. Yani Exim Bank ka basic work hi yahi hai ki wo international trade ko promote aur finance kare. Agla hai, the bank primarily lends for exporters from India, including supporting overseas buyers and Indian suppliers for export of developmental and infrastructure projects, equipped goods and services from India. जैसे भी आप infrastructure project है, equipment है, goods है, services है, अगर आपको ये करना है तो Exim Bank जो है उसको support करता है, ठीक है. It is regulated by RBI. अब देखिए banking का जो highest body है, that is RBI. तो RBI ही इसको भी regulate करता है. कंसेशनल फाइनेंस स्कीम. अब CFS जो हमने यहाँ पे बात की थी कि CFS को भी ये सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है? अंडर इट गवर्नमेंट हैज बीन सपोर्टिंग इंडियन एंटिटीज बिडिंग फॉर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब्रॉड सिंस 15-16. अगर कोई भी स्ट्रेटेजी वाइज अगर कोई कंपनी जो है वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको कंसेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस करती है, ठीक है. अदर एग्जिम इनिशिएटिव, ग्रिड इज ग्रास रूट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव. ग्रास रूट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट ग्रिड इनिशिएटिव के नाम से हम जानते हैं इसे. अब ये है क्या? फाइनेंशियल सपोर्ट टू promote grassroots initiative technology, particularly the one which with export potential and help of artisans, producer group, cluster, small enterprise, NGO, realize remunerative return on their produce and facilitate export from these units.
यानी फाइनेंशियल सपोर्ट हम करते हैं जो कि ग्रास रूट इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, यानी हम उन्हें बेसिक लेवल पे अगर कोई कर रहा है कुछ तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं थ्रू, माफ कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है, राइट। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज रोल ऑफ एग्जिम इन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड, अब इनका रोल क्या है। पहला है इम्प्रूव फॉरेन ट्रेड, कि अब एक चीज देखिए कि अगर कोई इंडियन जो है बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पास फाइनेंस नहीं है बट कैपेबिलिटी है, गुड में क्वालिटी है, ठीक है, तो उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या करते हैं वो प्रोग्राम्स के थ्रू आप उन्हें प्रमोट करती है एग्जिम बैंक, ठीक है। इंक्रीजिंग इंडिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अब इंडिया जो भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाती है कि हम जो है सपोर्टिव है फॉर बिजनेसमैन, और तक इससे क्या होता है कि हमें एफडीआई वगैरह में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। एग्जिम बैंक हैज 233 लाइन ऑफ क्रेडिट इन प्लेस एट प्रेजेंट, कवरिंग 62 कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, विद क्रेडिट कमिटी ऑफ अराउंड 22.86 बिलियन डॉलर अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो एग्जिम बैंक है वो 233 लाइन ऑफ क्रेडिट को सपोर्ट करती है, इतने इनके लाइन ऑफ सपोर्ट अभी हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस है इन इतनी जगहों पे है, जो भी 62 कंट्रीज हैं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका और कॉमनवेल्थ वाली जो कंट्रीज थी, ठीक है। रोल इन नेबरहुड पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट थ्रू एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया फॉर सार्क कंट्रीज। अब नेबरहुड पॉलिसी में भी इसका जो है वो सार्क कंट्रीज के साथ जो है वो अच्छा आ, आ, काम करते हैं ये, और इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कम रेट पे उन्हें प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिम बैंक जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है, जैसे अगर हम देखें कि श्रीलंका में अगर कुछ पोर्ट वगैरह बनाना हो तो एग्जिम बैंक जो है वो कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे उन्हें फाइनेंस कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग आशियान इन इंडियाज एक्ट इज ईस्ट पॉलिसी, जो भी आशियान थी, आशियान को हमने पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर नहीं रखा हुआ था, तो अब हमने अंडर एग्जिम बैंक हमने उन्हें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ में इंक्लूड कर लिया है। कोऑपरेशन विद ब्रिक्स बैंक, अब एग्जिम बैंक क्या कर रहा है, वो ब्रिक्स बैंक के साथ भी कोऑपरेशन करता है ताकि अगर हमें कभी फंडिंग की जरूरत हो तो वहां से भी हो जाए। और जो एग्जिम बैंक है, इन 2018 एंटर्ड इनटू एमओयू ऑन जनरल कोऑपरेशन विद एनडीबी, ब्रिक्स बैंक को हम शायद अभी एनडीबी भी कहते हैं, एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इन अकॉर्डिंग्स विद नेशनल रॉयल रेगुलेशन, बिसाइड स्किल ट्रांसफर एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द सिग्नेटरीज। जो भी ब्रिक्स बैंक जो है, जिसमें हम ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक दे दिया गया था लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, और इन एग्जिम बैंक का जो है वो ब्रिक्स बैंक के साथ एक टाई अप है जिसके थ्रू हम स्किल ट्रांसफर नॉलेज और स्किल ट्रांसफर नॉलेज और लॉज की हम कॉपरेशन फ्रेमवर्क हमने इन्होंने डिजाइन किया है, जो भी सिग्नेटरीज है यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला पॉइंट है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया इज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ डेवलपमेंट बैंक अंडर ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म। वही है ना कि ब्रिक्स का जो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनके थ्रू जो भी वो है डीलिंग करनी है इंडिया की तरफ से, वो कौन करेगा, नॉमिनेटेड मेंबर कौन है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल्स, अब ये पॉइंट कहता है गाइस कि अब अभी हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो अब लेट अस सी कि ये जो न्यूज़ में था ही क्यों ये टेक्सटाइल का जो वो है अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली मुंबई में एक टेक्सटाइल कंक्लेव हुआ था
हुआ था जिसमें काफी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उन्होंने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनी जो है उन्होंने पार्ट लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो होता क्या है, जैसे दीज आर टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रादर देन एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारा फंक्शनल या फिर टेक्टिकल के लिए अगर हम यूज करेंगे रादर देन डेकोरेटिव और एस्थेटिक, यानी कपड़े और डेकोरेटिव पर्पस को छोड़ के अगर हम किसी और वे में यूज करते हैं तो वो दैट इज व्हाट टेक्निकल टेक्सटाइल। दे कैन बी वोवन, नॉन वोवन और कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दे कैन बी मेड एज अ सिंगल और मल्टीपल लेयर एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एज कॉम्पोजिट और कोटेड मटेरियल। अब वोवन नॉन वोवन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कॉम्पोजिट भी बना सकते हैं और कोटेड मटेरियल का भी बना सकते हैं। किसी भी फाइबर फिलामेंट सिंथेटिक और किसी भी चीज से आप इनको टेक्निकल टेक्सटाइल को बना सकते हैं। दे कैन फाइंड एप्लीकेशन नॉट ओनली इन क्लोथिंग बट ऑल्सो इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंफ्रा, ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस, स्पोर्ट्स, डिफेंस पैकेजिंग एंड पैकेजिंग। जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल है उनका जो यूज कहाँ कहाँ पे है, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंफ्रा, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, वहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया। इट इज अ सनशाइन सेक्टर विद सनशाइन सेक्टर विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन ऑफ इंडियन एकेडमी इंडियन इकोनॉमी। दे आर ड्रिवन बाय डिमांड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री। जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल की जो बात है वो किस चीज से चलती है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया में एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया में और इंडिया का जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो ग्लोबल शेयर का 4 से 5% जो है वो मार्केट साइज रखता है। ठीक है, और सभी के सभी जो भी 12 टेक्सटाइल सेगमेंट्स हैं उसके अंदर जो है ये हमारे जो 4 से 5% शेयर है। ठीक है, हम यहाँ पे सेगमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सॉरी माफ कीजिएगा, टेक्निकल टेक्सटाइल्स कॉन्स्टिट्यूट 12 to 15% ऑफ टोटल टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया, वेयर एज इन सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज टेक्निकल टेक्सटाइल कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ टोटल टेक्सटाइल वैल्यू चेन। इंडिया में जो है टेक्सटाइल वैल्यू चेन का सिर्फ 12 से 15% है जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ये 50% तक भी है कुछ कंट्रीज में। इंडिया में अगर हम बात करें कि 2100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ज्यादातर जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया इज 1.7 पर 10 to 12% इन डेवलप कंट्रीज। यानी इंडिया में जो है ये जो इसकी जो कंजप्शन है दैट इज 1.7 है पर पर्सन और जबकि ये डेवलप कंट्रीज में 10 से 12 kg है। ठीक है, दिस इंडस्ट्री इज इंपोर्ट इंटेंसिव। इन लास्ट फ्यू ईयर द इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड अ राइज इन इम्पोर्ट, इट स्टूड एट 1.4 बिलियन इन 14-15। यानी ये एक इम्पोर्ट इंटेंसिव है क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कम प्रोडक्शन होती है टेक्निकल टेक्सटाइल की। अब इसमें होता क्या क्या है, पहला है एग्रोटेक यानी फिशिंग नेट, सैनिटरी नैपकिन, फ्लोर और वॉल कवरिंग जो आप देखते हैं कि वॉलपेपर्स वगैरह होते हैं, एयर बैग, शू लेसेस, वेस्ट डिस्पोजल, गैप नेट्स, रैपिंग फैब्रिक, जूट बैग्स, स्टफ टॉयज, बुलेट प्रूफ जैकेट, कन्वेयर बेल्ट, स्विम वियर। यानी ये 12 चीज हैं और इनमें से भी पैकटेक जो है रैपिंग फैब्रिक और जूट बैग ये लार्जेस्ट सेगमेंट है और 42% जो है वो मार्केट शेयर का अपने साथ रखता है पैकटेक यानी पैकिंग की जो टेक्नोलॉजी है। राइट, अगर हम बात करें इसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है,
अब एक स्कीम है, स्कीम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, दैट इज PSGDTT, स्पीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। इट्स थ्री कॉम्पोनेंट्स वर, पहला है ये है क्या, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, स्कीम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की। और इसका क्या है कि बेसलाइन सर्वे टू प्रोवाइड टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेटाबेस, यानी एक बेसलाइन सर्वे करवाया गया उन्हें एक डेटाबेस देने के लिए। सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लाइक BTRA फॉर जियो टेक्सटाइल, सम सीरा फॉर एग्रो टेक्सटाइल, नित्रा फॉर प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल एंड सित्रा फॉर मेडिकल टेक्सटाइल। अब देखिए प्रोटेक्टिव में क्या आता था, अगर हम बात करें कि सबसे पहले जियो टेक्सटाइल की, तो जियो टेक्सटाइल देखिए कहाँ पे है, ये फिशिंग, सैनिटरी, नैपकिन, एयरबैग, शू, लेजेस। जियो टेक्सटाइल कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए जियो टेक्सटाइल यानी गैपनेट्स। अगला है समसीरा फॉर एग्रो टेक्सटाइल, यानी फिशिंग नेट के लिए हमने समसीरा एस्टेब्लिश किया है। नित्रा फॉर प्रोटेक्टिव, अब प्रोटेक्टिव कहाँ पे है, यहाँ पे प्रोटेक यानी बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए। और सित्रा फॉर मेडिकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल में यही आ जाता था आपका सैनिटरी नैपकिन वगैरह, ठीक है। सो अगला क्या है, सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल 2010 टू 14 टू ओवरकम इश्यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी जो भी इश्यूज थी उसके लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया है। पहला है मिनी मिशन 1 फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, क्रिएट कस्टम टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप एंड IT बेस्ड रिसोर्स सेंटर, यानी हमने मिशन 1 में ये किया, स्टैंडर्डाइजेशन, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंडिजीनियस डेवलपमेंट यानी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होगा, और प्रोटोटाइप्स के लिए जो प्रोटोटाइप्स की डेवलपमेंट है वो इंडिया में होगी, और IT बेस्ड रिसोर्स सेंटर हमने बता दिया। और मिनी मिशन 2 क्या कहता है, इट फोकसेस ऑन सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप्ड थ्रू असिस्टेंस फॉर बिजनेस स्टार्टअप, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। यानी मिनी मिशन 2 जो है वो आपको स्टार्टअप खड़ा करने में, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करने में, और इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अगर आपको पार्ट लेना है तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक। मिशन 1 क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्सटाइल फैसिलिटीज और डेवलपमेंट, ठीक है। अगला है ऑल टेक्सटाइल बेस्ड मशीनरी इज कवर्ड अंडर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम विच फैसिलिटेट्स न्यू एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल ई कॉम्पिटेटिव। यानी सभी की सभी टेक्सटाइल बेस्ड मशीनरी जो है उन्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के अंदर फैसिलिटेट कर दिया गया, जिसके थ्रू इन्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में जो है वो हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और अगले स्टेप क्या है, 100% FDI अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने इसके अंदर। और अंडर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्क्स टू एक्सटेंट ऑफ 40%। जो भी अगर कोई टेक्सटाइल पार्क कोई भी लगा रहा है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, तो उसके में गवर्नमेंट जो है वो 40% उसको हेल्प करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, दैट इज यूनिवर्सल मिनिमम बेसिक इनकम। अब दिस न्यूज वाज इन दिस वाज इन न्यूज बिकॉज अभी कुछ लोगों ने इसकी डिमांड की है कि मिनिमम बेसिक इनकम कंट्री में हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। सो What is minimum basic income? The minimum basic income is a social welfare system that guarantees a basic income to household, provided they meet certain condition. There is different. This is different from universal basic income, which is a periodic unconditional cash transfer to all citizen on individual basis without means test or work requirement. To that extent, the minimum basic income is कंडीशनल UBI और अ क्वाजी UBI। अब देखिए कि जो भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसमें कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं लगती है, ठीक है। बट ये क्या है, कंडीशनल UBI, या फिर इसमें हमें एक कंडीशन लोगों को फुलफिल करनी पड़ेगी।
तभी जो है वो उन्हें जो पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी डिमांड्स बढ़ी हैं। अब इनकम सपोर्ट, द मध्य प्रदेश अनकंडीशनल ट्रांसफर प्रोजेक्ट एक है, नेशनल एग्जाम्पल है। एग्जिस्टिंग सब्सिडी मध्य प्रदेश ने क्या किया था, 6,000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज को इनकम सपोर्ट दिया था बिसाइड्स एग्जिस्टिंग सब्सिडीज। जो अब एग्जिस्टिंग सब्सिडीज ले रहे हैं, प्लस 6,000 अलग से उन्हें कैश दिया गया था। 6,000 से, माफ कीजिएगा, 6,000 नहीं है ये, 6,000 से ज्यादा लोगों को, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल की बात करें तो फिनलैंड के अंदर एक स्कीम है, पुरुत्सो लोको किलू। इसके अंदर अनकंडीशनल इनकम लोगों को दी जाती है जो भी अनएम्प्लॉयड है फ्रॉम 25 to 58। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है 25 to 58 के एज ग्रुप में, तो उन्हें एक इनकम दी जाएगी। और ब्राजील के अंदर भी बोसाला फैमिलिया, बोसला बोलसा फैमिलिया, तो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैश ग्रांट देती है लोगों को, और जैसे वो कुछ कंडीशन मीट करें तब देती है, ठीक है। सच एज ओवरसीइंग देयर चिल्ड्रंस स्कूल अटेंडेंस, अगर बच्चों की स्कूल की अटेंडेंस है तभी वो उन्हें ये चीज देंगे, ठीक है। अब देखिए कि मेरिट क्या है इस आइडिया के, इस आइडिया के कुछ ना कुछ मेरिट भी होंगे, तो देखते हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, देर इज अ नीड फॉर सच वेज टू एंश्योर अ जस्ट सोसाइटी दैट नीड्स टू प्रोवाइड एवरी इंडिविजुअल अ मिनिमम इनकम टू प्रोवाइड प्रोवाइड फॉर बेसिक नेसेसिटीज। अभी देखिए, हमारे इंडिया में रिच और पुअर के बीच का गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए ये चीज की गई है कि भाई ये चीज होनी चाहिए ताकि सभी के पास एक बेसिक जो है नेसेसिटीज पूरा करने के लिए एक इनकम हो। अगला क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। द पुअर इन इंडिया एज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट्स वेलफेयर पॉलिसीज रादर देन इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। एमबीआई ट्रीट्स देम एज एजेंट्स एंड इंश्योर्स देम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग वेलफेयर स्पेंडिंग एज दे सी बेस्ट। अब देखिए कि चॉइस की फ्रीडम है। अभी तक जो पुअर एलिवेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट का वेलफेयर पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन जो भी मेकर हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। अगला क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन। अब जब भी आप लोगों को कुछ मिनिमम बेसिक इनकम देंगे तो उनसे उसकी जो पॉवर्टी है कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि इसके लिए हमें जो हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा पूरे जीडीपी का 4 से 5%, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें जो भी टॉप 25% जो इनकम ब्रैकेट है वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी नीचे से 75%, यानी जीरो से लेके जो भी 75% जो हमारा ब्रैकेट है उसके अंदर के लोग हैं ये, ठीक है। अगला है, माफ कीजिएगा, एमबीआई हैज पोटेंशियल टू रिड्यूस रूरल डिस्ट्रेस। अब देखिए कि हमारे जो किसान हैं वो हमेशा कर्ज के अंदर डूबे हुए रहते हैं, तो मिनिमम बेसिक इनकम से क्या होगा कि जो भी रूरल एरियाज में है लोग, उनकी जो प्रॉपर्टी है और सेविंग्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो सुसाइड वगैरह के केसेस हो रहे हैं वो कम होंगे। इससे हेल्प और मिलेगा कि बेटर सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ठीक है, कि बैंकिंग सर्विसेज भी बढ़ेंगी और उनको जो बैंक अकाउंट में भी पैसे डालने के लिए हो जाएंगे। और अदर बेनिफिट जैसे इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जेंडर इक्विटी, इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉक एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर मार्केट। अब देखिए कि अगर मिनिमम बेसिक इनकम दे देंगे आप लोगों को तो जो भी ये रिसेशन वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, ठीक है। जेंडर इक्विटी होगी कि अगर आप एक फीमेल और मेल दोनों को सेम देते हैं तो दोनों बराबर रहेंगे, दोनों के अंदर जो ये मेल डोमिनेंस है सोसाइटी में वो कम हो जाएगी, राइट।
अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला यही है कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक इनकम की जो है डेफिनेशन क्या होना चाहिए। पहला है कि जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है, तो वो होनी चाहिए बेसिक नीड्स, बेसिक इनकम। तो टेंडुलकर कमिटी ऑन पॉवर्टी, उन्होंने क्या कहा था कि 33 रुपीज अ डे वर्क्स आउट बेसिक इनकम ऑफ 12,000 अ। तो टेंडुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग अगर आप 33 रुपीज पर डे दें, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए है, तो वो कितना हो जाएगा, 12,000 एक साल का। और अगर आप ये इतने लोगों को दोगे, पूरी पॉपुलेशन को, तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये टोटल 11-12% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो होगी। और जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी का बर्डन है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उससे यह 4-5% और राइज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर इट, बहुत ज्यादा कॉस्टली। और फिस्कल चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो जो ये टोटल फिस्कल कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा कवरेज ऑफ स्कीम की, कितने लोगों को कवर किया जाता है, एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद एग्जिस्टिंग सब्सिडी और स्कीम, कि अभी आप जो सब्सिडी ले रहे हैं उसके उससे इसको कैसे रिलेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग सब्सिडीज हैं और टैक्स रेवेन्यू है कि उनसे जो भी अमीर लोग हैं उनसे टैक्स कैसे लिया जाए, फिस्कल रिस्क होती है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन भी आ सकती है, ठीक है। अब अगला क्या है कि कैश वर्सेस काइंड डायलमा। अब इससे क्या है कि देखिए कि अगर आप किसी को पैसे देते हैं, पैसे की बजाय सब्सिडी देते हैं, तो दैट इज वेरी लिमिटेड। कि अगर आपने किसी को 400 रुपए की सब्सिडी देनी है, तो दैट इज ओनली कि आप गैस लो और 400 रुपए की सब्सिडी ले लो, ठीक है। बट अगर आप उसको कैश में 400 रुपए दे दोगे, तो उसका बेनिफिट क्या है कि वो अपने बच्चे की स्कूल फीस डिपॉजिट कर सकता है। तो जो गैस सब्सिडी उसको मिलनी थी वो उसने स्कूल फीस में डिपॉजिट कर दी। बट इसका ये भी अल्टरनेटिव क्या है कि सॉरी अगर हम इसका हम कौन देखें, तो कौन क्या होगा कि अब अगर किसी को गैस की बेनिफिट है, तो वो बंदा उसको गैस में ना लगा के वो नशे वगैरह में कर लेगा, तो जो लोगों को खाना मिल रहा है उसकी भी दिक्कत हो जाएगी। तो प्रोज एंड कॉन दोनों भी है, ठीक है। तो और जो भी हमारे जो फैमिली की जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो मैन हैंडल करते हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत भी रहेगी, ठीक है। अगला क्या है, टारगेटेड वर्सेस यूनिवर्सल। चैलेंज क्या है, अगर हम सभी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं, तो हमारे जीडीपी के ऊपर 4.2-4.5 परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है। अब यूनिसेफ के अकॉर्डिंग हमें 4.5.1 का इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं जो हमने किया है, तो उससे क्या होगा कि 1.3% का जो है वो कम होगा, क्योंकि जो अमीर लोग जो ये बेनिफिट ले रहे हैं वो इनसे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम आगे की बात करें कि बेसिक इनकम इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेट कैपेसिटी, तो देखिए कि जो भी बेसिक इनकम है वो स्टेट तो दे नहीं पाएगा, ठीक है, क्यों, उनके पास इतने ज्यादा जो है इनकम के सोर्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनके पास। और जैसे इन डेवलप्ड कंट्रीज द कैश ट्रांसफर सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन एंड देयर आर टॉप अप ओवर एंड अबव यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। कि अगर आप टॉप अप बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि वो सोशल सिक्योरिटी और एजुकेशन के लिए को इससे अलग टॉप अप देते हैं, यानी इससे अलग पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम से अलग। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मोस्ट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एमबीआई आर प्रिमाइज्ड ऑन द इनएफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी इंटरवेंशन एंड सीक टू रिप्लेस देम विद
डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, यानी जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग सब्सिडीज चल रही हैं, हम सिर्फ उसको चाहते हैं कि आप कैश ट्रांसफर करो, बट हम ये नहीं चाहते कि अलग से इनकम आए। क्यों? क्योंकि वह हम सिर्फ सब्सिडीज के ऊपर ही चले हुए हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम अभी कैश ट्रांसफर करेंगे, अगर हम करें, तो जो भी पुअर होंगे वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जो मार्जिनलाइज्ड पुअर हैं और जो भी लार्ज स्केल एक्सक्लूजन हो जाएगा पुअर का, तो इससे क्या होने वाला है कि पुअर को उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, रिड्यूस वर्कर प्रोडक्टिविटी। अब देखिए कि अगर आप किसी को बिना कुछ काम किए ही पैसा दे दोगे तो उससे क्या होगा, वो काम करना नहीं चाहेगा, और जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अब इतना बड़ा कैश ट्रांसफर जो स्कीम है, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम और कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी हम ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, सो ये भी एक चैलेंज होगा इसके लिए कि इतने बड़े स्केल पे हम कैश ट्रांसफर कैसे करेंगे, राइट। सो आगे चलते हैं गाइस, हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने क्या किया है, 1100 करोड़ की नाहेप स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, ये क्या होगा, टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे, हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नाहेप इज नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन, तो नीड क्या है कि इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एग्रीकल्चर की जो वैल्यू चेन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मार्केट से लिंक कैसे करना है और बाकी चीजों को कैसे डील करना है, राइट। अगला क्या है, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और लेबर वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर हमारी जो अच्छे लेवल पे अच्छी प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे लेबर वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसी सबसे एग्रीकल्चरल एजुकेशन देने के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, और प्रोजेक्ट लॉन्च किया, माफ कीजिएगा। और अगर हम बात करें ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इसके अंदर है, और जो मिनिस्ट्री है दैट इज एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, या किसके अंदर आता है, DARE के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। और DARE और किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चरल एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो अब इसका काम क्या होता है, ये एक एपेक्स बॉडी है ICAR फॉर गाइडिंग मैनेजिंग एंड रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर फिशरीज एंड एनिमल साइंस। तो ये जो भी इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च एजुकेशन है, उसकी ये एपेक्स बॉडी है। अगर वो हॉर्टिकल्चर फिशरीज एग्रीकल्चर और एनिमल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, द एग्रीकल्चरल एजुकेशन डिवीजन ICAR इज इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल सिस्टम टू एनहांस इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एग्री सप्लाई, यानी जो भी ह्यूमन रिसोर्स की इम्प्रूवमेंट है उसके लिए ये काम करते हैं ICAR। ठीक है, स्टूडेंट रेडी, ये एक स्कीम है और इसका मतलब है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, इसके अंदर अंडर इट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोवाइडेड टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। यानी जैसे आप बात करें कि अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है या फिर प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो
जिसके अंदर उन्हें इन द इंडस्ट्री काम करना होता है. सेम वे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ऐसा ही है कि आपको अब उनको ये चीज करनी पड़ेगी. ठीक है. सो अगला है किसान पाठशाला योजना. अब गवर्नमेंट ने ये भी लॉन्च किया, आईसीएआर ने ये लॉन्च की है कि जो इसके अंडर जो भी लोग हैं दे कैन कनेक्ट टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ, उन्हें ये डील कर सकते हैं और स्टेट फार्मिंग कम्युनिटी की कम्युनिटी के जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ है उन्हें वो रीच कर सकते हैं. ठीक. सो इसमें आगे हम बात करेंगे चैलेंजेस जो फेस करता है. पहला है इन एडिक्वेट फाइनेंस, फैकल्टी, लैक ऑफ नेटवर्किंग एंड क्वालिटी, लो क्वालिटी, नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन. अब देखिए इनमें ये जो भी चीज है आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जो है प्रॉपर अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही है और इनोवेशन में भी हम कम पैसा खर्च कर रहे हैं. ठीक है. सो इससे क्या है कि फाइनेंस की हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है. फैकल्टी, और ज्यादातर जो भी इसके अंदर फैकल्टी हैं उनकी अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं हो पाई है जो भी रिटायर हुए थे. तो उससे क्या होता है कि दिक्कत होती है. और प्लस कि जो भी फैकल्टी जो है 51% फैकल्टीज जो हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जहां पे वो टीच कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल नॉलेज है वो नहीं आ रही है, वही सेम नॉलेज चल रही है. तो इससे क्या है कि क्वालिटी उनकी जो इम्प्रूव नहीं हो रही है. ठीक है. अगला है नेटवर्किंग और क्वालिटी. सेम ऐसे ही है कि करियर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है एग्रीकल्चर में, क्वालिटी नहीं मिल पाती है लोगों को. ठीक है. सो अगर हम बात करें नाहेप के बारे में, इसका फुल फॉर्म था नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट. इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो फंडिंग है दैट विल बी वर्ल्ड डन बाय वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 50-50 बेसिस, यानी आधी आधी फंडिंग करेंगे दोनों मिलके. ठीक है. और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो जितने भी पार्टिसिपेटिंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें वो हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हायर स्टडीज में और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हेल्प करने वाले हैं स्टूडेंट का. एडवांटेज क्या होगा कि इससे जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनका जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा और फैकल्टी के परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और अच्छे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे इससे. ठीक है. अगर हम इसकी बात आगे बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स जो है जो भी इसके अंदर यूज करने वाला है दैट इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान. NAHEP would provide institutional development grants to selected agriculture universities और जो भी agriculture universities हैं उन्हें ये पैसा देंगे. ठीक है. To develop them. ठीक है. अगला है Center of Advanced Agricultural Science and Technology. CAAST will be provided to selected AUs to establish multidisciplinary center for teaching research. यानी उन्हें एक तो इंस्टीट्यूशनल के लिए बेनिफिट मिलेगा प्लस जो भी एडवांस ये सेंटर सेटअप करने के लिए भी उन्हें वो मिलने वाला है, ग्रांट मिलने वाली है. राइट. अगला क्या देंगे, वो इनोवेशन ग्रांट भी देंगे और मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन भी होगा. ठीक है. तो इससे मतलब काफी ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी. राइट. सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा अभी तक कि क्या क्या चल रहा है, कि गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इसके अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर जैसे यूनेस्को कैसे पार्ट ले रहा है. राइट. सो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे. ठीक है. सो जो भी बच्चे जो है नाबार्ड की के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो ये पता होना चाहिए, ताकि जो है क्योंकि नाबार्ड में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में आने वाला है ये. ठीक है. सो आगे चलते हैं हम. अगला टॉपिक है दैट इज यूरेनियम रिक्वायरमेंट इन इंडिया. अब देखिए कि ज्यादातर जो हमारी जो अभी सोर्सेज हैं यूरेनियम के, हम अभी ज्यादातर जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, यानी इंडिया के अंदर तो हमारे पास तो बहुत कम है. ठीक है.
अब ये न्यूज में इसीलिए इसीलिए था क्योंकि एक जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने रेकमेंड किया है कि कुछ स्टेप लिए जाएं ताकि न्यू यूरेनियम माइन को ओपन करने के लिए, ताकि हम सफिशियंट यूरेनियम जो है वो हमारे पास हो। ठीक है, अब करंट सिनेरियो क्या है तो उसको देखने से पहले ये देखिए मैप देखिएगा कि जो भी इंडिया के अंदर मेजर प्रोविंसेस है, जैसे अरावली इन राजस्थान, यह है सिंहभूम है झारखंड में, छत्तीसगढ़ बेसिन में है, ये कुछ चौपद है और नई माइंस हैं, तो ये आपको एक मैप में दिखाया गया है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर की जो क्या कहाँ कहाँ पे माइंस हैं। ठीक, और अभी जो है सिनेरियो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है, पूरी हो रही है जादूगोड़ा माइंस झारखंड से, सिंहभूम में है, यहाँ पे है वो जादूगोड़ा माइंस जहां से ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। ठीक है, और इसके बाद ज्यादातर जो हम यूरेनियम है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कहाँ से, कजाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस एंड रशिया से, और अभी अभी हमने उज्बेकिस्तान से भी डील किया है। जो लास्ट वीडियो थी जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि यूरेनियम के लिए हमने डील किया है। ठीक है, सो अगला क्या है, इन इंडिया यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम और फॉर कमर्शियल पर्पज। यानी इंडिया में अभी तक सिर्फ यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये परमिशन दी गई है कि आप यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम माइन बाय UCIL यूज फॉर वेपन्स एंड सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बोथ, और क्योंकि हमने NPT साइन नहीं किया है, नॉन पोलिफ्रेशन ट्रेटी, जिसके अंदर ये था कि हम जो भी यूरेनियम होगा हम उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इन को तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं वेपन बनाने के लिए, बट जो भी इंपोर्टेड यूरेनियम है हम उसको जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज करते हैं और किसी और पर्पस के लिए नहीं। ठीक है, इसी कंडीशन में हमें ये मिला है। अगर हम बात करें कि हमें जरूरत क्या है, ठीक है, तो जरूरत यह है कि हमारे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी तक उनकी जो पूरी कैपेसिटी है उससे वो रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है अभी भी हम जो है वो थर्मल एनर्जी पे या फिर जो भी ये फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, और अगर हमारे पास यूरेनियम की जो प्रॉपर स्टॉकपाइल हो जाए, जो कि हमें कितनी चाहिए, 15,000 टन चाहिए, इतने यूरेनियम चाहिए, अगर हमें इतना मिल जाए तो हमारी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है एनर्जी के लिए यूज करेंगे इसे एंड वी विल बी एनर्जी सफिशियंट कंट्री। ठीक है, तो ये जो मैप है ये क्या कहता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भी है अभी इंडिया में, ये ब्लू वाले हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे नारोरा है राजस्थान में है एक पावर प्लांट, एक है करकरपार, तारापुर और कैगा मद्रास में है और कुंदाकुलम में है, ये पावर प्लांट जो है वो चल रहे हैं, और ये जो रेड में है सॉरी ऑरेंज में है दैट इज न्यू साइट्स जो कि अभी लॉन्च करेंगे। राइट, सो हम नीड की बात कर रहे थे, नीड क्या है, अगला है नीड डोमेस्टिक यूरेनियम फॉर नॉन IAEA प्लांट्स। नॉन IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि एक वॉच डॉग की तरह काम करता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या नहीं, यानी हमारे कुछ प्लांट जो हैं जो कि IAEA के अंडर होंगे वो वहां पे कभी भी चेकिंग कर सकते हैं, तो वहां पे तो हम वेपन बना नहीं सकते। ठीक है, सो हमें जो भी हमारे नॉन IAEA प्लांट है उनके लिए डोमेस्टिक यूरेनियम चाहिए जो कि इंडिया के अंदर ही हम एक्सट्रैक्ट करें, तो इसीलिए ये चीज प्रपोज किया गया था। ठीक, सो अगला है, हमने इसकी बात करी ली है कि कैपेसिटी एडिशन और फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या है कि यूरेनियम जो है वो कंटेमिनेट करता है ग्राउंड वाटर को, और 16 से ज्यादा स्टेट्स इंडिया में ऐसे हो गए जो कि
कंटेमिनेट हो चुके हैं, और ज्यादातर जो वेल हैं इन राजस्थान एंड गुजरात वो तो रेड मार्क कर दिए गए हैं, यानी दोज आर नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगला चैलेंज है प्योरिटी ऑफ यूरेनियम। अब देखिए कि इंडिया के जो भी अगर हम ज्योग्राफी में जाएं तो इंडिया जो है वो न्यूएस्ट यहाँ पे है, सबसे न्यूएस्ट लैंड फॉर्म है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो भी कंटेंट है वो बहुत प्योरिटी वाला नहीं है, यानी वो वेट होता है और प्रॉपर उसकी एफिशिएंसी मिलती नहीं है। तो उससे क्या है कि हमारे पास जो प्योरिटी का है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। अगला क्या है, शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, यानी हमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, जो कि हम अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, जैसे हमने वाटर यूज कर लिया या फिर थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। अगला है एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट। अब दोस्तों हुआ क्या था कि 2011 में फुकुशिमा, एक जापान की स्टेट है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है ब्लास्ट हो गए थे, 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ब्लास्ट हो गए थे। वो हुआ क्या था कि वहां पे अर्थक्वेक आई और जो भी ये इनके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक कूलेंट होता है, कूलेंट एक्टिवेट कर रिएक्टर जो है उनका जो कूलेंट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। सो उस वजह से क्या हुआ, वो तीन रिएक्टर्स उनके ब्लास्ट हो गए, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इनको, ठीक। सो उस वजह से वहां पे लोग जो क्या करते हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर वेपन है या फिर रिएक्टर्स है इनका यूज कम हो, ठीक है। अब अदर इश्यूज जैसे कि आप देखिए कि जहां पे भी आपका ये यूरेनियम मिलता है तो वहां के पहले तो इशू होते हैं लैंड एक्विजिशन की, फिर वहां के लोगों को रिहैबिलिटेशन दो, ठीक है। अगर वहां पे कोई टाइगर रिजर्व है या फिर फॉरेस्ट है तो उनके लिए कुछ करो, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, पब्लिक कंसेंसस भी होता है, यानी काफी सारे इश्यूज हैं जो भी वहां पे होते हैं, ठीक। अगला है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम साइनिंग द डील विद कंट्रीज फॉर इम्पोर्टिंग यूरेनियम, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू अचीव द रिकॉर्ड 10-fold इंक्रीज बाय 31-32 एज पर विजन रिपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। यानी उन्होंने विजन निकाला है कि हमारा जो यूरेनियम के प्रोडक्शन है उसे 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और द गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर्स टू ऑगमेंट डोमेस्टिक यूरेनियम सप्लाई बाय स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन इन सेवरल प्रोस्पेक्टिव एंड पोटेंशियल जियोलॉजिकल डोमेन इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री एंड ओपनिंग न्यू माइंस ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। अब देखिए, मैंने आपको माइंस दिखाई थी कि गवर्नमेंट ने ये जो है ये कुछ जगह है जहाँ पे प्रपोज किया है, तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, राइट। सो वेल गाइज, इसके साथ ही वी हैव कम टू एन एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि उनको भी उनके यूपीएससी की प्रिपरेशन में वीडियो देख के हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम अपनी जो अगली वीडियो है वो हम कल पोस्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। थैंक यू सो मच।